हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध। भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी में निबंध लेखन में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। सबसे पहले हम भ्रष्टाचार के अर्थ को समझेंगे, फिर स्वरूप को, फिर भ्रष्टाचार के कारण को, और उसके बाद समाधान के उपाय और अंतिम में निष्कर्ष को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार, जिसमें से भ्रष्ट का अर्थ है निकृष्ट विचार, यानी कि घटिया विचार, एक ऐसा विचार जो लोगों को ठेस पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, और आचार का अर्थ है आचरण करना। इसके वशीभूत होकर मनुष्य अपना सदाचार भूलकर भ्रष्ट आचरण करने लगता है। यह एक विचित्र वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इसकी विषैली शाखाओं पर बैठकर मनुष्य मनुष्य का रक्त चूस रहा है। इस घृणित प्रकृति के कारण हमारे प्रयोग की हर वस्तु दूषित हो गई है और होती जा रही है। आगे हम देखते हैं भ्रष्टाचार का स्वरूप। भ्रष्टाचार को कई रूपों में देखा जा सकता है। शुद्ध वस्तुओं में मिलावट, जमाखोरी, रिश्वत और कालाबाजारी सभी भ्रष्टाचार रूपी परिवार के ही सदस्य हैं। आज संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र इसके चपेट में आ गया है। चारों ओर फैले आर्थिक अभाव के वातावरण में समाज के समर्थ लोग अपने तथा अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा हेतु भ्रष्ट तरीके अपनाने से जरा भी नहीं हिचकते। भ्रष्टाचार का विष समाज की नस नाड़ियों में फैलता जा रहा है। अब हम देखते हैं भ्रष्टाचार का कारण। इस भ्रष्टाचार के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि दोषी तो वह व्यवस्था है जो धन दौलत को मानवता से ऊपर समझती है। अतः हर प्रकार के भ्रष्ट आचरण द्वारा धन संग्रह को बल मिला है। आगे हम देखते हैं समाधान के उपाय। भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए जनता एवं सरकार दोनों को मिलकर प्रयत्न करना होगा। प्रशासन की सर्वोच्च शक्तियां भ्रष्टाचार के मूल कारणों का पता लगाए। इसके साथ ही जनता भी अपने संपूर्ण नैतिक बल और साहस के साथ भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयत्न करे। भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे, चाहे वे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे सभी कार्य निश्चित समय पर पूरे हो जाएं तथा भ्रष्टाचार की बू तक न हो। आगे हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की समस्या का निदान भारत के लिए अति आवश्यक है, वरना सभी प्रगति की योजनाएं मात्र कागज पर ही बनती रहेंगी। यह एक सामाजिक कोड है जिससे निदान पाना ही होगा।